वहीं ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद बाइडन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुलेट से नहीं बैलेट से जवाब देगा यूएस। ये कहा गया अपने बयान में ट्रंप पर जो हाल ही में अटैक हुआ था, चुनावों के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में, उस दौरान जो अटैक हुआ उसके बाद जो बाइडन है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बुलेट से नहीं बैलेट से यूएस जवाब देगा। 4 महीने के बाद राष्ट्रपति चुनाव होना है अमेरिका में, उसके पहले ये हमला अब कई मायनों में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में जो बाइडन भी इस हमले के बाद बयान देते नजर आए। पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका में इस प्रकार के हमलों की कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने अब कहा है कि बुलेट का जवाब बैलेट से देगा यूएस। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है ट्रंप के हमले के बाद। देखिए इस बीच खबर ये आ रही है कि एफबीआई की टीम ने आरोपी की गाड़ी और घर पर रेड करी है। जानकारी ये भी कि इस कार्रवाई में गाड़ी से बम बनाने का सामान भी मिला है, साथ ही घर पर भी छापामार कार्रवाई की तो बम बनाने की सामग्री भी मिली है। हालांकि इस आरोपी का कोई भी पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं सामने आया था, लेकिन अब जब एफबीआई की टीम मामले की तेजी के साथ जांच कर रही है तो कई खुलासे हो रहे हैं। घर से गाड़ी से बम बनाने का सामान मिला है। हमले की जांच लगातार तेज होती हुई। एनटीए ने 19 जुलाई को सीयूईटी यूजी के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का किया है फैसला। ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। एनटीए ने 7 जुलाई को सीयूईटी यूजी के लिए आंसर की जारी की थी और घोषणा की थी कि परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स की शिकायत सही पाई जाती है तो वो 15 से 19 जुलाई के बीच फिर से परीक्षा आयोजित करेगा। एनटीए ने रिजल्ट की घोषणा पर चुप्पी साध रखी है जिसमें पहले ही 2 सप्ताह से अधिक की देरी हो चुकी है। संदेशकाली मामले में पिछले कई महीनों से सुर्खियों में मामला चल रहा। संदेशकाली में बीजेपी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार मामले में राज्य सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बीजेपी के सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, संबंधित जिले के डीएम, एसपी, थाना अध्यक्ष को समन जारी कर पेश होने को कहा। इसके साथ ही और इसके खिलाफ राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कमेटी के समन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। पिछले 3 साल में पीएम मोदी को 30 मिलियन नए लोगों ने फॉलो किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2009 में सोशल मीडिया एक्स ज्वाइन किया था। 100 मिलियन का आंकड़ा पार होने पर पीएम मोदी ने लिखा, 100 मिलियन इस वाइब्रेंट मीडियम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, इनसाइट्स और लोगों के आशीर्वाद, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय का इंतजार कर रहा हूं। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता होंगे जबकि के सुरेश पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया। सांसद मणिकम टैगोर और किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद को लोकसभा में पार्टी का सचेतक बना दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईएसएफ को महिला ड्राइवर्स भर्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। अदालत ने महिलाओं को कांस्टेबल, ड्राइवर, फायर सर्विस ड्राइवर जैसे पदों पर भर्ती के लिए सीआईएसएफ को नियुक्ति नियमावली और दूसरे प्रावधानों में जरूरी बदलाव करने के आदेश दिए थे। अभी तक इन पदों पर सिर्फ पुरुषों की ही नियुक्ति होती है। आज इस मामले में सीआईएसएफ कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है। जी न्यूज़।